गाइस, पीएम वर्क स्टेशन पर विंडोज सर्वर 2012 R2 को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका क्या तरीकेकार है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, इसके ऊपर आपने फर्स्ट टाइम क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टिपिकल है, इसको टिपिकल रहने दें। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद डीवीडी मैंने जो है ऑलरेडी अपने लैपटॉप के अंदर उसके अंदर डाली हुई है, ठीक है। सीडी विंडोज सर्वर 2012 की ये यहाँ पे आपको शो भी हो रही है। यहाँ पे इंस्टॉलर डिस्क के ऊपर आपने क्लिक रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आप ये देखिए विंडोज सर्वर 2012 R2 डाटा सेंटर यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे अगर आपके पास सीडी की है तो सीडी की दे दे। उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड दे दे, जो भी आपने देना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपने अगेन नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपने हार्ड डिस्क का साइज देना है। मैं इसको हार्ड डिस्क का साइज जो है 80 GB कर देता हूँ, ठीक है, और 1 GB रैम दे देते हैं। उसके अलावा ये मल्टीपल डिस्क वो ये यहाँ पे स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इंटू मल्टीपल फाइल, मल्टीपल फाइल पे करना है यार, इंस्टॉल वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, सिंगल फाइल के ऊपर आप रहने दें। उसके बाद मल्टीपल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारी विंडोज सर्वर 2012 R2 का इसके ऊपर ये सारा इसकी जो है डिटेल आ गई है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से फिनिश कर देना है। फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद ये ऑटो यानी कि बूट हो जाएगी विंडोज सर्वर 2012 के ऊपर, ठीक है। अब विंडोज सर्वर 2012 का इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है, वो स्टार्ट हो गया। तो अभी आप यहाँ पे आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज़ के बारे में आपको बताता रहता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके इंस्टॉलिंग का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। गेटिंग फाइल्स जो है इसकी रेडी फॉर इंस्टॉलेशन हो रही है। सुबह इंस्टॉलिंग फीचर्स होंगे, इंस्टॉलिंग अपडेट्स होंगी, फिनिश अप होगा। फिर ये कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिकली ये रिस्टार्ट होगा सिस्टम। उसके बाद दोबारा इसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के बारे में आपको साथ साथ बताता रहूँगा। यहाँ से मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि विंडोज़ की इंस्टॉलिंग का जो है अभी प्रोसेस हो रहा है। ये तकरीबन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं वीडियो शॉर्ट करके बनाऊंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ, और ये विंडोज़ शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में ये कंप्लीट हो जाए प्रोसेस। ये अभी आप देख सकते हैं इसकी कॉपिंग फाइल जो है ये हो गई है, इंस्टॉलिंग फीचर्स हो गया है, इंस्टॉलिंग अपडेट्स हो गई हैं। अब ये फिनिशिंग अब लास्ट प्रोसेस में है। ये भी मैक्सिमम थोड़े मैं बिल्कुल शॉर्ट वीडियो कर दिए इस टाइम ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ। ये इंस्टॉलिंग जो है अपडेट्स भी इसी कम्प्लीट हो गई है। अब ये फिनिशिंग का प्रोसेस कम्प्लीट होगा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं इसका ये सिस्टम आप देखते हैं विंडोज़ नीड टू रीस्टार्ट टू कंटिन्यू। तो ये विंडोज़ जो है अब जो है सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सिस्टम रीस्टार्ट होगा। उसके बाद अगेन विंडोज़ बूट होगी पीएम वर्क स्टेशन के ऊपर। पीएम वर्क स्टेशन के ऊपर आठों जब ये बूट होगी तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो फिर मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करता रहता हूँ। ये देखिए आप ये विंडोज़ का लोगो आ गया, विंडोज़ सर्वर 2012 R2 का। यहाँ पे ये विंडोज़ ये जो नीचे ये ब्राउजिंग हो रही है यानी कि प्रोसेस में आ रहा है सिस्टम। गेटिंग डिवाइस रेडी 77%, 92% ये कम्प्लीट हो चुका है इसका प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेटिंग डिवाइस रेडी 100% के नीचे ये मैसेज आ गया, ठीक है। ये विंडोज़ का जो है इंस्टॉलिंग के जितने भी फीचर्स थे, कॉपी फाइल्स थी या जो भी था, वो सारा इंस्टॉल हो चुका है। सिस्टम रिस्टार्ट भी हो गया। अब आगे का जो इसका है ये विंडोज़ फाइनलाइज होने लगी है, ठीक है।
ये आपके सामने विंडोज़ का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, विंडोज़ आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गई है, विंडोज़ सर्वर 2012 R2 ये आपके सिस्टम में इस टाइम प्रॉपर इंस्टॉल है। अब आप इसके अंदर जो भी आपने अपना ट्रेनिंग करनी है तो आप इस विंडो पे रहकर अपने सिस्टम में रहकर आप विंडोज़ सर्वर के ऊपर वर्किंग ईजीली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।